Reminder, just like the lotus, we too have the ability to rise from the mud, bloom out of darkness and radiate into the world. Hi, good morning. तो आज गणेश चतुर्थी है और सुबह सुबह मुझे बहुत काम है, इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ. एंड बिकॉज ऑफ यू नो सितंबर स्टार्ट हो गया है और आज 15 सितंबर भी हो गया है, तो अब अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर अगर हम काउंट करें तो पूरा 3 महीने बचे हैं. 3 महीने के बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा एंड जनवरी आ जाएगी, नया साल, नई बिगिनिंग हो जाएगी. एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, इधर स्टार्ट और रिवाइज वॉट एवर जो भी आपकी चीज़ें हैं. ऑप्शनल अभी से पढ़ना शुरू कर दो. एंड मैंने अपना ऑप्शनल रिवाइज करना शुरू कर दिया है और उसी के साथ साथ जो भी उसमें नए नए टॉपिक या फिर नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है रिवीजन के साथ साथ करूँगी एंड आंसर राइटिंग भी करूँगी. और ये सब करने के लिए, और वैसे भी आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो कि स्टडी का स्लॉट क्या है, कैसे है, वो शायद वीडियो में इतना क्लियर नहीं हो पाता होगा. आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू डू, मतलब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी चीज़ों को प्रॉपरली आप लोगों के लिए. तो मैं आपको बता दूँ दैट मैंने अपने दिन को 2 भागों में डिसाइड कर लिया है. वन इज़ मॉर्निंग सेशन, या फिर मॉर्निंग बोल सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ आफ्टरनून. लाइक मैं सुबह 4 बजे उठ के अपना सारा काम, आधे घंटे 4:30 बजे तक सारा काम जो भी होता है, डूइंग ब्रश, मेकिंग बेड, डूइंग सम स्ट्रेचिंग एंड योगा, यू नो, बिकॉज मेरी बॉडी ऐसे स्टार्टिंग में खुलती नहीं है कि मैं तुरंत ही ऐसे बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए. ऐसा भी हो सकता है बट स्टिल मैं ऐसा ट्राई कर रही हूँ कि पहले थोड़ी सी अपनी बॉडी एंड माइंड को फ्री कर लूँगी एंड देन मैं पढ़ना शुरू करूँगी. तो 4 बजे से उठ के 4:30 बजे तक मैं ये सारा काम करूँगी एंड 4:30 बजे से मैं बैठूँगी पढ़ने और 6:30 बजे तक. तो 4:30 से 6:30 दो घंटे मैं करूँगी मेरा ऑप्शनल रिवीजन एंड उसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वगैरह वगैरह. वन डे आई विल रिवाइज एंड सेकेंड डे आई विल राइट द आंसर एंड थर्ड डे आई विल रिवाइज एंड देन राइट द आंसर. यही मेरा सीन रहता है एंड ये काम मैं 6:30 बजे तक करूँगी. 6:30 बजे मैं उठ के अपना चाय, ये वो, कॉफ़ी एंड 7 बजे तक अपना सारा काम करूँगी एंड देन आता है टास्क द रिवीजन. यू नो रिवीजन वाला थिंग ऐसा है, रिवीजन मैं वो चीज़ों का करूँगी जो कि यू नो जो GS मेरी क्लासेस अभी चल रही हैं उसका रिवीजन करूँगी. एंड रिवीजन करने के बाद आई विल मेक फूड फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खाना बनाऊँगी एंड बनाने के बाद आई विल ईट दैट फूड एंड टेक शावर एंड सब कुछ करूँगी एंड देन आई विल गो टू द लाइब्रेरी एट ऑलमोस्ट 9 or 10 AM. यू नो 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी जाती हूँ एंड वहाँ पर जाने के बाद आई डू न्यूज़पेपर के साथ साथ मैं फिर वापस से रिवाइज़ करती हूँ. जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें पीछे की हैं, वो रिवाइज़ करती हूँ एंड देन फिर 1 बजे से हो जाती है मेरी क्लासेस स्टार्ट. तो मैं अपनी क्लासेस करती हूँ और 4 बजे तक हमारी क्लासेस रहती है. क्लासेस ख़त्म होने के बाद कभी कभी 4:30 तक भी चल जाती है. क्लासेस 4 बजे ख़त्म होती है तो जस्ट जैसे क्लास ख़त्म होती है आई टेक अ ब्रेक. उसमें मैं थोड़ा सा अगर कुछ खाने को ले गई रहती हूँ लाइब्रेरी में तो मैं वो खाती हूँ एंड देन फिर हम जाते हैं चाय पीने. मैं और मेरे जो दोस्त वगैरह रहते हैं हम लोग जाते हैं चाय पीने. चाय कभी कभी ले के आते हैं, मैं उसके साथ ही खाती हूँ एंड देन फिर ब्रेक लेने के बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ. जो भी चीज़ें उस लेक्चर में पढ़ाई गई होगी सेम चीज़ें मैं रिवाइज़ करती हूँ. यू नो बिकॉज यू नो टाइम नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं किसी भी चीज़ को पोस्टपोन कर सकूँ. एंड अभी मेरी इस टाइम सारी जो मेन क्लासेस हैं वो चल रही है. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटी चल रही है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गई है, ऐसे ऐसे करके. सो फिर मैं वो करती हूँ एंड वो करने के बाद असाइनमेंट अगर तब तक आ गया रहता है तो मैं असाइनमेंट करती हूँ एंड असाइनमेंट करने के बाद आई सी कि मेरे को क्या पढ़ना है. समटाइम्स ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे करंट अफेयर्स की क्लासेस लगी हुई होती हैं तो आई डू द करंट अफेयर्स क्लासेस. जो भी चीज़ें उन क्लासेस में लगी होती है उसके पहले मैं रिवाइज़ करती हूँ उसको, मतलब पढ़ती हूँ क्या है क्या नहीं है. एंड देन फिर ऐसा करते करते मेरे को 8:30 बज जाता है एंड मैं 8:30 बजे तक वापस आ जाती हूँ रूम पे. एंड रूम पे आती हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ और बैठती हूँ, आराम करती हूँ एंड देन फिर मैं ट्राई करती हूँ. ये मेरा रोज का तो रूटीन अभी नहीं बन पाया बट आई विल ट्राई दैट. वो डिपेंड करता है कि मेरा कैसे बॉडी फंक्शनिंग या फिर कितना ज़्यादा लेवल पर मैं थकी हूँ. तो आई विल गो फॉर अ लिटिल वॉक, यू नो, इन द पार्क. बगल में पार्क है तो उसमें थोड़ी देर मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ एंड देन वॉक करने के बाद मैं आती हूँ और आई विल कुक एज सून एज पॉसिबल. मतलब मेरे को जो भी जल्दी से बनाना होता है
वो मैं बनाती हूँ, खाती हूँ, एंड देन आई ट्राई टू रीड इन द नाइट, बट नॉट मतलब जो हमारी सिलेबस की बुक है मैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती रात में। एंड फ़ोन तो मैं एक घंटे डेढ़ घंटे पहले बंद कर देती हूँ। थोड़ा बहुत अगर मेरे को रहता है कि जैसे अगर आज ऐसे आज ब्लॉग डाल रहे हैं तो मैं कल रात में उसकी एडिटिंग कर लूँगी, तो वो उसके उसको करने के लिए, और एडिटिंग इज़ द सेंस मैं बताऊँ, कोई ऐसा बहुत हाई लेवल एडिटिंग मैं करती नहीं हूँ, तो एडिटिंग करते करते मेरी इतनी भी आदत पड़ गई दैट आई कैन डू एडिटिंग इन 15 मिनट, यू नो, क्योंकि मैं बहुत एडवांस लेवल की एडिटिंग नहीं करती हूँ इन वीडियोज़ में, बिकॉज अभी मैं लिटरली बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर मोटिवेशनल पर्पजेज, मैं जानती हूँ कि इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इसलिए देख रहा है कि वीडियो कितने हाई लेवल पे एडिट की गई है, नो, इट इज़ फॉर दैट कि जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, जो भी देखते हैं, उनका ये पर्पज़ नहीं रहता कि वीडियो में ये कमी है वो कमी है, नो, तो आई नो दैट थिंग एंड इसी वजह से मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं होती। वैसे आई लव द थिंग दैट एडिटिंग करना, पिक्चर क्लिक करना, ये सब मेरी हॉबी है, मेरे को अच्छा लगता है, बट मतलब मैं उसको ऐसे नहीं परस्यू कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज यू नो जैसा मैंने बताया कि आई वॉन्ट टू गिव ओनली 1 ईयर फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड मुझे इस पे मेरी प्रायोरिटी वो है अभी फ़िलहाल के लिए। एंड फिर जब ये सब एडिटिंग वगैरह अगर यही सब अच्छे से करना होगा तो मैं इन फ्यूचर आई विल डू बेटर, आई नो दैट, तो फिर तब देखा जाएगा, बट अभी जो है मेरी प्रायोरिटी जो है मैं वो करूं और उसी को अच्छे से करूं, यही सब होता है, तो यही रहता है मेरा होल डे रूटीन। तो आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिकॉज़ मेरे को बहुत सारा ऐसे कमेंट आया कि आप एक बार सही से बता दो आपका क्या रूटीन रहता है, तो यही मेरा रूटीन है एंड इसी को मैं फॉलो करती हूँ। कभी कभी सब्जेक्ट वाइज अगर मान लो रिविज़न मेरा 2 घंटे में नहीं हो पाया तो आई विल एक्सटेंड दैट थिंग, कभी कभी मान लो 4 बजे मैं नहीं उठ पाई, हो गया 4:30 हो गया या फिर 5 बजे हो गया, तो उसी हिसाब से वो चीज़ें शिफ्ट एंड वो होती रहती है। तो अपने आप को इतना हमेशा स्कोप देना, एंड वन मोर थिंग, मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं दैट कि मतलब बैकलॉग रह जाता है, उसके बाद वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो गाइज देखो मैं बता रही हूँ, बैकलॉग ऐसी चीज़ें हैं ना, जब हो जाती हैं तो हम एक गिल्ट में चले जाते हैं और हमारे ऊपर ऐसा बर्डन फील होने लगता है। जब बैकलॉग हो जाए, ध्यान रखो कितना भी बड़ा बैकलॉग हो वो 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, 2 दिन या 3 दिन के अंदर, तो उसके पीछे मत ज़्यादा भागो, ट्राई करो कि जो तुम्हें डेली का टारगेट तुम अपना फुलफिल करते रहो और बैकलॉग थोड़ा थोड़ा पीछे वाला कंप्लीट करो, यू नो, जो चीज़ें जहाँ पे छूट गई हैं पहले कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दो, ज़्यादा अपने आप को बर्डन मत दो, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि ये मैं खुद को बर्डन दे के और खुद को फील करके बता रही हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला ज़्यादा लोड नहीं लेने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कहानी जारी है, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।